आज हम करने वाले हैं फंक्शन। अब देखिए फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे हम मैक्रो बनाते हैं उसी तरह हमारे फंक्शंस होते हैं। कई बार हमें मैक्रो में कई एक कैलकुलेशन बार बार यूज करनी होती है। इस फंक्शंस में जैसे आप का कोई भी करते हैं तो ये सम भी आपका एक फंक्शन ही है, फॉर्मूला है, ये आपको कुछ रिजल्ट देता है। एक तो आप इस तरह से जो फॉर्मूला बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ जो किसी भी अमाउंट का मुझे 12.36% का टैक्स रिटर्न करे, तो उसका फॉर्मूला भी मैं बनाऊंगा टैक्स। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, जो हम करते हैं इसकी जो कोडिंग होती है, हम लिखेंगे फंक्शन और उसका नाम देंगे, मैं बनाना चाहता हूँ टैक्स के नाम से। तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब टैक्स में जो आपको कहीं से वैल्यू लेनी है, अब यहाँ से हम कोई चीज वैल्यू देते हैं ना, जैसे हमारा अमाउंट जो था वो हो गया है 1200 रुपए का। अब यहाँ पे हम टैक्स चाहते हैं इसका, तो हम कोई भी फॉर्मूला जो लगाएंगे वो इस तरह से लगाएंगे ना टैक्स। जैसे ही आप फॉर्मूला वहां क्रिएट करेंगे, ये आपके यहाँ पे इक्वल टू दबाते जैसे टाइप करेंगे, वो नाम आपको दिखाई देने लग जाएगा यहाँ। और इसके अंदर जो रेफरेंस देते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने ये दिया, अभी ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है क्योंकि उसके अंदर कोडिंग नहीं हुई है। तो मैं एक वैल्यू रिटर्न करूंगा, जैसे मैं कोई रेफरेंस रिटर्न कर रहा हूँ इसके अंदर, तो उसको कैलकुलेशन के लिए चाहिए। तो वो कैसे करता हूँ, यहाँ के अंदर जो भी वो आती है बाय वेल आर एज इंटीजर, बाय वेल आर एज इंटीजर, बाय वैल्यू आर एज इंटीजर, मतलब आप जो इसमें भी डालोगे वो आर को मिल जाएगा। तो इंटीजर नहीं लेते हैं इसको, हम ले लेते हैं डबल ले लेते हैं, क्योंकि तो 1200 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ हमने ले लिया डबल। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने फंक्शन का नाम बनाया है टैक्स, अब जो वैल्यू जो हमें रिटर्न करानी पड़ती है वो टैक्स से ही रिटर्न करानी पड़ती ये डबल क्या होता है ये बताएंगे वापस एक बार? है। डबल जो होता है, जैसे इंटीजर होता है उसमें आप क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं खाली, आपके पॉजिटिव नंबर स्टोर हो सकते हैं, पर डबल जो होता है इसमें आपके नेगेटिव नंबर भी स्टोर हो सकते हैं, वह मतलब आपके वो डेसिमल वैल्यूज भी स्टोर हो सकती हैं। इंटीजर में डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं ओके होती। तो इसमें हम चाह रहे हैं टैक्स निकालना। अब हम आर में वो हमें वैल्यू मिल गई, अब आर की वैल्यू हम किस में रिटर्न करते हैं, टैक्स होता है इसी के अंदर रिटर्न कर, जिसका नाम होता है वो ही रिटर्न करना होता है। हमें तो इंटीजर ये आया, मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ डिम डी एज डबल। अब डी के अंदर क्या कर लेता हूँ, आर मल्टीप्लाइड बाय 12.36%। आर मल्टी यहाँ पर परसेंटेज का साइन कुछ और होता है। अच्छा 12.36 से तो हो रहा है, परसेंटेज से नहीं हो रहा।
तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम? ये लगाना पड़ेगा इस तरह से। तो डी के अंदर जो है आर का ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है हमें? यार डी की जगह ये टैक्स में, इसको रिटर्न जो करना होता है हमें टैक्स में ही करना होता है। अब ये जो डी नहीं लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स में कर, ठीक है जी। अब लगा के देखते हैं, वैल्यू आ गई। तो जो इसका नाम होता है उसके अंदर आप जब वैल्यू असाइन करा देते हैं कोई भी, तो ये जो वैल्यू है जो इसके अंदर आई वो डायरेक्ट आपको यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि हमारा एक टैक्स का फॉर्मूला बनेगा। इसी तरह से हम मैक्रो भी बना सकते हैं। मैक्रो बनाया मैंने। अब मैंने कहा कि जैसे ही जो B2 में जो वैल्यू डल रही है उसका यहाँ B3 में रिजल्ट आ जाए टैक्स के फॉर्मूला से। मैं क्या करता हूँ, कोई हम लोग बटन भी बना सकते हैं, कोई भी शेप ले लीजिए। इस तरह से कर सकते हैं, और इस पर राइट क्लिक करके एक असाइन मैक्रो का होता है तो कोई भी मैक्रो आप इस पर असाइन कर सकते हैं। मैंने ABC करके दे दिया, ओके। तो जब भी मैं क्लिक करूंगा तो वो वाला फंक्शन जो मैक्रो है मेरा चल जाएगा। अब मैंने इसमें क्या देना है, ये रहा रेंज B2 में जो वैल्यू है। उस पर ये लगा दिया टैक्स का फॉर्मूला। अब ये दिखा रहा है ना बाय वायल आर एस डबल, तो यहां B2 से वैल्यू उठाई और कहां डाल दी, B3 में, रेंज B3 डॉट वैल्यू। तो ये देखिए, मैंने क्या किया, ये फंक्शन को मैं यहाँ पे भी यूज कर लिया, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ और कुछ और फिगर डाल देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है सर। तो दोनों जगह आप फंक्शन यूज कर सकते हैं, इधर भी उधर। तो कई बार आपको ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ती है जो कई बार बहुत बहुत ही, आप हाँ एक से ज्यादा वैल्यूज भी ले सकते हैं। बाय वेल आर एस डबल करके, कॉमा करके, बाय वेल डी एज स्ट्रिंग, ऐसे करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये दोनों आपको वैल्यू दिखा देगा, दोनों कॉमा करके दे सकते हैं। तो आप इस तरह से भी इसमें वैल्यू पास कर सकते हैं और उनको जिस नाम से करेंगे उससे यूज कर सकते हैं। जैसे आर से था तो आर से यूज किया, डी से था डी से यूज कर देंगे। तो इस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। बाकी इसके बाद कुछ और फंक्शंस देखते हैं। इसी तरह से ये तो हो गया, हम जैसे खुद फंक्शन बना सकते हैं। इसका फायदा ये है कि हमने ऐसे फंक्शंस बना बना के रख लिए, जब जरूरत आ रही है उनको बार बार यूज कर रहे हैं। बार बार हमें पूरे पूरे मैक्रो पूरे पूरे वो लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो सकती है। जैसे आपको कोई टैक्स निकालना है, कोई स्लैब वाला है, कुछ इस तरह से कुछ स्लैब की कैलकुलेशन है, वो तो पूरे पूरे फंक्शन आप कस्टमाइज कैलकुलेशन है, आप एक फंक्शन में बना बना के रख सकते हैं। ये इनकम टैक्स निकालने के लिए, ये उसके लिए, उसके लिए, इस तरह से आप बना के रख सकते हैं। दूसरा, बाकी ये जो हमने जिस तरह से टैक्स को यूज किया है,
इसी तरह से हमारे पास एक्सेल के कुछ फंक्शंस हैं जो वीबीए के लिए हैं, जो वीबीए में यूज होते हैं। आइए देखते हैं उनको कैसे यूज किया जाता है। हमारी एक साइट है टेक ऑन द नेट करके, टेक ऑन द नेट में करेंगे तो ये साइट मैंने पहले भी बताई है। एक्सेल में जाएंगे और यहाँ आपको वर्कशीट फंक्शंस और वीबीए दोनों के आपको फंक्शन मिल जाते हैं। तो इसमें वीबीए कैटेगरी वाइज चूज कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज मींस जैसे टेक्स्ट के लिए कौन से फंक्शन है, फाइनेंशियल कौन से, मैथमेटिकल कौन से। तो हर बार सारे फंक्शंस उसमें नहीं चलते हैं। वीबीए के लिए अलग फंक्शन होते हैं हमारे, उसके लिए अलग होते हैं, मतलब कुछ उसके इधर भी चलते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं एल के एस एक फॉर्मूला है, तो हमारे एल के एस जो है एक्सेल में जो है लोअर है, वीबीए में एल के एस के नाम से होता है। वीबीए में यू के एस जैसे है और एक्सेल में जो है वो अपर के नाम से है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा फर्क दिया हुआ है फॉर्मूले में। ये देखते हैं इनके क्या क्या यूसेज है। पहले मैं आपको इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैंने मैक्रो बनाया है इसी को। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ डिम आर एस रेंज, रेंज ले लिया मैंने और ईच आर इन सिलेक्शन, मतलब कुछ भी जो भी सिलेक्शन में है का प्रॉब्लम और ईच आर इन सिलेक्शन। आर डॉट वैल्यू इक्वल टू यू केस आर डॉट वैल्यू। ये देखिए मैंने लूप में बताया था ये चीज, ये अपर केस का फॉर्मूला लगा दिया मैंने यू केस। इसके अंदर जो वैल्यू पास करी आर क्या है कि जो भी मैं सिलेक्ट करूंगा, जैसे मैंने कुछ भी सिलेक्ट किया स्मॉल में कर देता हूँ। जो भी मैंने सिलेक्ट किया उसमें एक एक सेल में जाके ये उसको अपर केस में चेंज करके, यहां पे मैंने लोअर केस का बना दिया एक फॉर्मूला। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ असाइन मैक्रो और लोअर वाला इसमें असाइन कर देता हूँ इसमें, बस इसमें यू केस की जगह एल केस करना है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से लोअर केस में बदल दिया, यहाँ से अपर केस में बदल दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से फंक्शंस होते हैं कुछ हमारे, ये छोटा छोटा हमारा काम करते हैं। और फंक्शंस को देखते हैं, इसमें पहला देखते हैं एएससी। एएससी का कोई खास फंक्शन नहीं है, ये क्या करेगा आपका जैसे ASCII कैरेक्टर जो है, ASCII कैरेक्टर हमारे पास कैर और कोड का फॉर्मूला है ना, कोड का फॉर्मूला, जो कोड का फॉर्मूला करता है वो एएससी का फॉर्मूला करता है। हमारे पास जो यहाँ पे कोड का कैर का फॉर्मूला है, जैसे कैर 10 65, तो ये दिखा रहा है कैर का फॉर्मूला जो है वो आपका एएससी का काम करता है।
वन वैल्यू B1 की जो वैल्यू है वो उसमें क्या हो जाए, ASC रेंज A1 डॉट वैल्यू, A1 की जो वैल्यू है वो ASC के थ्रू ले लेते हैं B1 में। तो A1 में जो वैल्यू है मैंने डाला A, यहाँ पे मैं चला देता हूँ 65 आ गए। ASC का यूज ये होता है भाई, जो हम कैर के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं। कोड के जरिए जो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है जी। ये सेम फॉर्मूला है, बाकी और देखते हैं। एल केस और यू केस मैंने दो फॉर्मूले आपको बता दिए। इसमें आर ट्रिम क्या करता है, अब जैसे संदीप किया, बीच में आगे एक स्पेस आ गया इसके, तो यहां पे मैं आर ट्रिम लगा देता हूं। आर ट्रिम क्या करता है, वो स्पेस गायब कर देगा, जब आप जाएंगे तो स्पेस गायब कर देगा, राइट से ट्रिम कर देगा। ऐसे ही एल ट्रिम है, लेफ्ट से ट्रिम कर देगा, और जो ट्रिम है वो दोनों साइड से ट्रिम कर देगा, स्पेस गायब कर देगा, ठीक है जी। बाकी कैर का फॉर्मूला कैर की तरह ही काम करता है, जैसे कोड ने कोड रिटर्न किया तो कैर जो है वो कोड देने पे हमें कैरेक्टर रिटर्न करेगा। मतलब जैसे ये 65 था, कैर जो है वो नंबर देने पे 65 अगर देता हूं तो ये निकट रिटर्न करता है, कोड जो है इसका कोड रिटर्न करता है, ठीक है जी। कैर जो है ये नंबर देने पे कैरेक्टर रिटर्न कर देता है, तो कैर का तो सेम यूज है इसमें। बाकी लेफ्ट देखते हैं, जिस तरह से हमारा लेफ्ट फंक्शन है, यहां से हम बोलते हैं कि डिस्टर्बेंस आ रहा है, हाँ अब ठीक है। तो जिस तरह से हमारा लेफ्ट फंक्शन था कि हम इसमें कोई भी टेक्स्ट डालते थे और कितने कैरेक्टर्स चाहिए थे, मान लीजिए हमें 3 कैरेक्टर्स चाहिए तो ये 3 रिटर्न करता था, उसी तरह से हमारा लेफ्ट का फॉर्मूला इसके अंदर भी है, VBA के अंदर भी है। आप यहाँ पे आर्ट्रिम की जगह मैं लेफ्ट का फॉर्मूला कर देता हूँ। लेफ्ट का फॉर्मूला किया मैंने, अब यहाँ पे क्या था, पहला तो वो कर रहा था क्या चाहिए और लेंथ कितनी चाहिए, एक तो ये तो रेंज हो गई, रेफरेंस हो गया। अब कितने कैरेक्टर चाहिए, मान लीजिए 3 चाहिए मुझे, ठीक है जी। यहाँ पे मैं चलाता हूँ, आगे तो ये एल केस का फॉर्मूला, ये लेफ्ट का फॉर्मूला इस तरह से काम। स्पेस का एक फॉर्मूला है, स्पेस क्या करता है कि आप कितना स्पेस देना चाहते हैं,
आप लिखेंगे तीन स्पेस चाहिए, पांच स्पेस चाहिए, जितने भी करेंगे उतना स्पेस दे देगा ये बीच में, जैसे कि इसमें मैं क्या करता हूँ, इसके बाद जो है कंकेटिनेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, एंड कर दिया मैंने, कॉन कैट, उधर कॉन्केटेनेशन था इधर कॉन कैट है मेरे ख्याल से, कॉन कैट का फंक्शन है, और इसमें मैंने कर दिया कॉन कैट का बीच में आएगा, एंड के साथ ही कर देते हैं, कॉन एंड के साथ आपका कॉन्केटेनेशन हो जाता है, मैंने कर दिया ठीक है। इसके आज साथ कंकैटिनेट हो गया। अब देखिए मैं इसके बीच में ना स्पेस डाल देता हूँ, या स्पेस का फॉर्मूला डाला मैंने, स्पेस मैंने का पांच स्पेस दे दो, जितने नंबर देंगे उतने स्पेस कर देगा, एंड के साथ कंकैटिनेट कर दिया। उतने स्पेस दे देता है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें, पर इनको जाने रहना जरूरी होता है ताकि आप इनको यूज कर सकें। कॉन्कैटिनेशन के लिए एंड यूज कर सकते हैं, खाली एंड के जरिए ही होता है इसमें, और कोई तरीका नहीं है बीबीएम। एक्सेल में आपके कॉन्कैटिनेशन है, कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला है, पर बीबीएम में नहीं। लेंथ का फॉर्मूला है एज इट इज है, लेंथ जानने के लिए, लेंथ करके आप रेंज दे दीजिए उसमें आ जाएगा। आप जो भी लिखा है उसका लेंथ जानना चाहते हैं, लेंथ दिखा देगा आपका। स्ट्रिंग का फंक्शन है, किसी भी नंबर को जो है वो आपको टेक्स्ट में बदल देता है, कोई खास नहीं है, कई बार आपका नंबर टेक्स्ट में आ रहा हो, आपने जैसे हम टेक्स्ट फॉर्मूला के थ्रू कुछ निकाला तो वो टेक्स्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो एसटीआर का फंक्शन देकर उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट, एसटीआर मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, किसी भी नंबर को टेक्स्ट की तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। करंट डायरेक्टरी ये आपको बताएगा कि आप कौन सी डायरेक्टरी में हैं, CURDER, CURDIR, इनके आगे अगर कई फंक्शन ऐसे हैं जिसके आगे आपको ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसी तरह करंट हमारा CURDIR भी है, तो इसे करंट डायरेक्टरी दे दी, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट सी के अंदर फुल पाथ दे दिया, यहाँ पे फाइल सेव होगी, दूसरा लेफ्ट एल ट्रिम मैंने बताया लेफ्ट से ट्रिम करने के लिए, ये STRCONV करके फंक्शन है, स्ट्रिंग कन्वर्जन, स्ट्रिंग कन्वर्जन
था, जैसे हमने लोअर केस में किया, अपर केस में किया, इसी तरह ये एक ही फंक्शन है जो आपके सारे काम करता है, अपर लोअर और प्रॉपर केस तक के। डिफरेंस है 1, 2, 3। कैसे देना है? TRCONV करके बीच में टेक्स्ट देना है, कन्वर्जन क्या देना है, बस ये टेक्स्ट दिया और 1 दे दिया आपने तो अपर में आ जाएगा, 2 में देंगे तो लोअर में आ जाएगा, 3 में देंगे तो प्रॉपर में आ जाएगा, कोई तो बड़ी बात नहीं। STR कन्वर्जन का है। बाकी देखते हैं, जैसे नंबर फॉर्मेटिंग हम यूज करते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग के लिए आपका ये फॉर्मेट करके फंक्शन है जिसको मैंने कल भी यूज किया था। आई थिंक इधर कुछ प्रॉब्लम है। फॉर्मेट नंबर में फॉर्मेट ऑप्शन मैंने यूज किया था जिसमें हम नंबर फॉर्मेटिंग वगैरह डाल सकते हैं। जैसे B1 में कोई वैल्यू, यहाँ पे मैंने कोई डेट डाली, जनरल में आ गई डेट, यहाँ पे मुझे वो फॉर्मेट करके दिखानी है। फॉर्मेट वैल्यू उठा लूंगा, जो भी वैल्यू होगी, और नंबर फॉर्मेट यहाँ दे देना है मुझे, DD MMM YYY। रेंज B1 B1, ओके ये उसी में अटक गया, A1 देना। क्या कर दिया इसने, यहाँ पे DDMM, अच्छा वाई 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 डाल दिया मैंने, वाई वाई 4 बार डाल। ये आपको उस फॉर्मेट यहाँ पे चेंज कर देगा, उस फॉर्मेट में वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो एक तो ये हो गया कि फॉर्मेट जो फंक्शन है फॉर्मेट रिटर्न कर रहा है, पर यहाँ पे जो फॉर्मेट अप्लाइड है वो दिखा नहीं रहा है, वो कि अपने ही फॉर्मेट में दिखा रहा है। तो अगर आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना हो, तो फॉर्मेट क्या कर रहा है, फॉर्मेट ये इस फॉर्मेट में टेक्स्ट तो दे रहा है पर ये इसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये दिखा रहा है DMMY में। तो जब आपको सेल का फॉर्मेटिंग चेंज करना हो, तो सेल का फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा है हमारा, B1 है डॉट नंबर फॉर्मेट और करके यहाँ पे वो नंबर फॉर्मेट दे दें जो आपको चाहिए। अब इसको चलाते हैं, आ गया। दूसरा हमने देखा लेफ्ट फंक्शन, देखा उसी तरह से हमारा होता है मिड, लेफ्ट राइट मिड पढ़े थे हमने, तो इसमें भी लेफ्ट राइट और मिड है। मिड का फंक्शन वैसा ही है, स्ट्रिंग जो भी लेनी है रेंज करके आपको वही वैसे ही लेनी पड़ेगी, रेंज इसमें सारा रेंज से ही लेना पड़ता है। स्ट्रिंग
स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, मैंने कहा एक से स्टार्ट करो, और कितने कैरेक्टर चाहिए, उन्होंने कहा चार ले लो। तो इस तरह से आप या इसमें कहता हूँ कि 8 से ले लो और 4 की जगह 5 कैरेक्टर उठा लो, तो जब मैं मैक्रो रन करूंगा तो ये इसने 5 कैरेक्टर उठाए, स्पेस के साथ उठाए, यहाँ पे 9 डाल देता हूँ, 9 से स्टार्ट करें और 5 कैरेक्टर उठा ले। जैसे ये 5 कैरेक्टर उठा लिए, मिड हम इस तरह से यूज करते हैं, मान लीजिए लेफ्ट के उठाने हैं, कैसे उठाएंगे, लेफ्ट के इस लेंथ में वैसे दे देता हूँ 7, 7 करके 7 करेक्टर उठा रहा है, पर अब मुझे अगर इसको डायनेमिक बनाना हो कि स्पेस फाइंड करके, और वो जैसे हम फाइंड के साथ करते थे, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो है इन एस टी आर, इन एस टी आर, इन एस टी आर का जो यूजेज है वो फाइंड की तरह ही है। पहली चीज, पहला नंबर होता है स्टार्ट, कहाँ से चलना है, करना है, क्या ढूंढना है और किसमें ढूंढना। इन एस टी आर में हमें जैसे इसमें इस पूरी वैल्यू में हमें चाहिए स्पेस, स्पेस यहां दे दिया स्पेस हमने, कहाँ पंगा है, ओके okay। इस तरह से बड़ा फॉर्मूला बना, देखते हैं करके चला नहीं चला, आ गया। तो इन एस टी आर ने क्या किया, हमने पहले वैल्यू दी, फिर उसमें क्या ढूंढना है वो दे दिया, ये वो पूरा फॉर्मूला बन गया। इसके अलावा कई बार आपको एक्सेल के फॉर्मूले ही यूज करने पड़ते हैं, जैसे काउंट करना है। अब काउंट का तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई फंक्शन नहीं है, काउंट है क्या, काउंट है, तो एक्सेल के फंक्शन जब भी आपको यूज करने होते हैं तो एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट करके आप कोई भी उसका फंक्शन ले सकते हैं, एक्सेल में जितने फंक्शन है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे फाइंड का फंक्शन, इन एस टी आर कर रहे थे हम, फाइंड का फंक्शन चाहिए, तो यहां से आप इस चीज को इधर यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट फाइंड। तो चलिए, आप लोगों के लिए काम ये है कि टेक ऑन द नेट में जो फंक्शंस हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, टेक्स्ट के फंक्शंस को, बाकी एप्लीकेशन वगैरह इन सबको देख लीजिएगा एक बार, ताकि छोटा मोटा काम कर सकें। ठीक है सर, तो मैं सेशन ऑफ करता हूँ। सर आपका वॉइस ब्रेक हुआ है, क्लास क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ कि मैं अब ऑफ करता हूँ, तो आप वो टेक ऑन द नेट पे देख लीजिएगा, बाकी के जो टेक्स्ट फंक्शन है उनके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है जी, ओके।